ऑनलाइन पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त शंकरलाल जाट AMG कोचिंग क्लासेस से अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान में खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें। इससे पहले अपन ने पढ़ा था मीठे पानी की झीलें, अब पढ़ेंगे खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें राजस्थान में 33 सागर का अवशेष मानी जाती है। 33 सागर का अवशेष मानी जाती है, 33 सागर का अवशेष मानी जाती है खारे पानी की झीलें। और खारे पानी की झीलें अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में पाई जाती है और मीठे पानी की झीलें अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में पाई जाती है। तो राजस्थान में दो प्रकार की झीलें पाई जाती है, एक तो मिलेगी अपन को खारे पानी की झीलें और एक मिलेगी अपन को मीठे पानी की झीलें। इस प्रकार से अपन ने मीठे पानी की झीलें तो पढ़ ली है, अब पढ़ रहे हैं खारे पानी की झीलें। मैंने कल फिर बताया था आपको कि राजस्थान के जो मरुस्थल है या अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला राजस्थान में दो कार्य करती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में दो कार्य करती है, एक तो अरावली पर्वतमाला वाटर डिवाइडिंग का काम करती है, अरावली पर्वतमाला वाटर डिवाइडिंग का काम करती है, और एक अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग की तरफ जो पाई जाएगी, पश्चिमी भाग की तरफ पाई जाएगी वो तो पाई जाएगी खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें, और इसके इधर तरफ पाई जाएगी वो पाई जाएगी मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें। इस प्रकार से ये पूर्वी भाग हो गया, ये पश्चिमी हो गया, ये उत्तरी हो गया और ये दक्षिणी भाग हो गया। तो राजस्थान के पश्चिम की ओर मरुस्थल की तरफ मिलेगी अपन को खारे पानी की झीलें और मरुस्थल के पूर्वी भाग में मिलेगी अपन को मीठे पानी की झीलें। इस प्रकार से खारे पानी की झीलों की अगर अपन चर्चा करें तो पहली खारे पानी की झील को चेक करते हैं। पहली खारे पानी की झील अपने राजस्थान में सांभर। पहली खारे पानी की अगर झील देखेंगे अपन लोग तो पहले खारे पानी की झील है अपने सांभर झील। सांभर झील के बारे में पढ़ते हैं और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आए हैं। तो खारे पानी की झीलों में पहली है सांभर झील। पहली कौन सी झील है? सांभर झील। पहली कौन सी झील है? सांभर झील। सांभर झील कहाँ है? जयपुर में है। सांभर झील कौन सी जगह राजस्थान में? तो सांभर झील जयपुर ज़िले में स्थित है। सांभर झील कौन से ज़िले में है? तो सांभर झील जयपुर ज़िले में स्थित है। इसके बाद में सांभर झील में तीन चार नदियों का जल आता है, तीन चार नदियों का लगभग इसमें जल आता है सांभर झील में। सांभर झील को देखे, ये रही सांभर झील। सांभर झील में एक तो आता है खारी, एक आता है खंडेला, एक आता है रूपनगढ़ और एक आता है मेंथा। चार नदियों का जल सांभर झील के अंदर आता है और ये नदियाँ आंतरिक प्रवाह की नदियों के अंतर्गत मानी जाती है। सांभर झील की बात करें तो इस प्रकार से चार महत्वपूर्ण नदियों का जल सांभर के अंदर आता है। और सांभर झील का अगर निर्माण की अगर अपन बात करेंगे, सांभर झील के निर्माण की बात करें तो सांभर झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा किया गया, वासुदेव चौहान के द्वारा किया गया। लेकिन वासुदेव चौहान के द्वारा बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का निर्माता वासुदेव चौहान को माना गया है। सांभर झील का निर्माता वासुदेव चौहान को माना गया है। यह भारत की
सबसे बड़ी खारे पानी की स्थलीय झील है। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की स्थलीय झील, स्थल का मतलब ज़मीन से हो गया और खारे पानी की सबसे बड़ी झील, स्थलीय झील की अगर बात करेंगे तो सांभर झील है। अगर भारत में कयाल या लैगून झील की बात करें, कयाल या लैगून झील की बात करें तो सबसे बड़ी चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। यह भारत की सबसे बड़ी कयाल या लैगून झील का उदाहरण है। ध्यान रखना, निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर का निर्माता वासुदेव चौहान को माना गया है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कयाल या लैगून, भारत की सबसे बड़ी कयाल या लैगून झील उड़ीसा में स्थित है। कौन सी जगह स्थित है? उड़ीसा में। इसके किनारे देवयानी तीर्थ स्थित है। देवयानी तीर्थ स्थित है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि देवयानी तीर्थ कहाँ है या देवयानी कौन किस नदी के किनारे हैं, तो झील के या नदी के किनारे की बात करें तो देवयानी तीर्थ सांभर झील के किनारे हैं, जिसको तीर्थों की नानी कहा जाता है। जिसको क्या कहते हैं? तीर्थों की नानी किसको कहा जाता है? देवयानी को कहा जाता है। एक बात और करें इसमें तो इसने भैया दादू दयाल ने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए थे? सांभर झील में। दादू दयाल ने सबसे पहले जो उपदेश दिए थे वो सांभर झील के किनारे ही दिए थे। दादू दयाल ने सबसे पहले जो उपदेश दिए गए थे वो सब कहाँ दिए थे? सांभर झील पर दिए थे। पहली बार जो उपदेश दिए थे वो सांभर झील के किनारे दिए थे। इसकी बात कर ली अपन ने सांभर झील खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और मैंथा, चार नदियों का जल सांभर झील में आता है। निर्माता वासुदेव चौहान बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा में स्थित है। उसके बाद में यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की स्थलीय झील है। स्थल का मतलब हो गया जमीन से जो टच वाली बाउंड्रीज है उसमें सबसे ज़्यादा मानी जाएगी। कयाल या लैगून सबसे बड़ी भारत की कयाल या लैगून झील उड़ीसा में है, जो चिल्का झील है। तीर्थयानी या देवयानी, जिसको तीर्थों की नानी कहा जाता है, दादू दयाल ने सबसे पहले उपदेश सांभर झील के किनारे दिए थे। अगर इसके लंबाई की बात करें, सांभर झील की लंबाई लगभग 3 से 12 किलोमीटर है। अगर इसके लंबाई को देखें तो लगभग 35 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई को देखें तो चौड़ाई लगभग 3 से 12 किलोमीटर है। कोई जगह 3 है, कोई जगह 12 है। तो लगभग इस सांभर झील की लंबाई की बात करें तो 35 किलोमीटर के लगभग है और इसकी चौड़ाई की बात करें तो 3 से 12 किलोमीटर लंबाई है। इसके बाद में सांभर झील में सूर्य ब्रांड कंपनी का नमक तैयार किया जाता है। कंपनी का नमक तैयार किया जाता है। सूर्य ब्रांड कंपनी का नमक तैयार सैसे सांभर और सैसे सूर्य या सैसे सांभर या सैसे सूर्य। इस प्रकार से सूर्य ब्रांड कंपनी का नमक तैयार सांभर झील में किया जाता है और सांभर झील में जो नमक तैयार किया जाता है क्यारी पत्ती के द्वारा किया जाता है। क्यारी पद्धति के द्वारा नमक तैयार किया जाता है सांभर झील में, जिनकी गहराई लगभग 4 फीट के लगभग हो जाती है। और यहाँ पर पक्षी पक्षियों को लेकर 2019 में
लगभग सामर झील जो मरे थे उनके बारे में चर्चा का विषय भी रहा था। इस प्रकार से सामर झील के बारे में एक बात और महत्वपूर्ण है, सामर झील के किनारे अकबर जोधा का विवाह संपन्न हुआ था। अकबर और जोधा का विवाह सामर झील के किनारे हुआ था। ये बातें सामर झील की बारे में बताई गई है और सामर झील पूरे भारत में लगभग भारत का 8.7% नमक तैयार किया जाता है। भारत में लगभग 8.7% नमक तैयार सामर झील के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में सामर झील के पास में हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई, जो केंद्र सरकार का उपक्रम है। इसकी स्थापना लगभग 1964 के द्वारा या 1964 में की गई थी। ध्यान रखना, सामर झील के किनारे एक संयंत्र लगा हुआ है जो नमक का संयंत्र है। इसकी स्थापना 1964 में केंद्र सरकार के द्वारा हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के रूप में की गई है। इस प्रकार से यहाँ पर किसी प्रकार का राज्य सरकार का कोई उपक्रम नहीं लगा हुआ है। तो ध्यान रखने वाली बात यही है, सामर झील की बात, ये टोटल बात हो गई। सामर झील हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की स्थापना जो केंद्र सरकार के द्वारा की गई है, सामर झील के अंतर्गत खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और मेंथा, इन चार महत्वपूर्ण नदियों का जल आता है। सामर झील के किनारे अकबर और जोधा का विवाह संपन्न हुआ। सामर झील का निर्माण बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान के द्वारा किया गया। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की स्थलीय झील है। इसके बाद में क्याल या लेगून झील को केरल और तमिलनाडु के तट पर जो झीलें पाई जाती है उनको क्याल या लेगून झील कहते हैं, जो उड़ीसा में है। यह सबसे बड़ी खारे पानी की एक लेगून झील का उदाहरण माना गया है। देवयानी तीर्थ या तीर्थों की नानी सामर झील के किनारे हैं। दादू दयाल ने सबसे पहले उपदेश सामर झील के आसपास दिए गए थे। उसके बाद में सामर झील की लंबाई की अगर बात करें तो 35 किलोमीटर के लगभग है और चौड़ाई की बात करें 3-12 किलोमीटर के लगभग चौड़ाई है। सूर्य ब्रांड कंपनी का नमक तैयार सामर झील से किया जाता है और क्यारी पद्धति के द्वारा नमक तैयार किया जाता है। लगभग क्यारियों को 4 फीट तक गहरा भी किया जा सकता है। इस प्रकार से सामर झील के बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण बातें थी, इन सबको मैंने बता दिया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो झील देखेंगे अपन खारे पानी में तो वह है पंचपदरा झील। अगली झील की बात करें अपन तो वो है पंचपदरा झील। अगली झील की बात करेंगे अपन तो कौन सी झील है? पंचपदरा। अगला देखो भैया, अगली झील की अगर बात करें तो पंचपदरा झील है। कौन सी झील है? पंचपदरा झील। पंचपदरा झील कहाँ है? बाड़मेर में है। ये झील कहाँ है? बाड़मेर। पंचपदरा झील की अगर बात करें, निर्माण की अगर अपन बात करेंगे तो निर्माण को लेकर पंचा नामक भील के द्वारा पंचपदरा बाड़मेर में स्थित इस भील का निर्माण किया गया। लगभग 400 वर्ष पूर्व, कितना वर्ष पूर्व? लगभग 400 वर्ष पूर्व इस झील का निर्माण किया गया पंचपदरा का। पंचपदरा झील बाड़मेर जिले में स्थित है। इस झील के एक जाति रहती है जिसका नाम है खारवाल। इस झील के आसपास एक जाति रहती है जिसका नाम है खारवाल। खारवाल एक जाति है। खारवाल जाति के द्वारा यहाँ पर मोरली झाड़ी के द्वारा
मोरड़ी झाड़ी के द्वारा नमक तैयार किया जाता है, नमक तैयार किया जाता है। मोरली झाड़ी के द्वारा खारवाल जनजाति से मोरली झाड़ी के द्वारा नमक तैयार किया जाता है और इसका नमक 98% शुद्ध है। कितना परसेंट शुद्ध है? 98% शुद्ध है, जिसको NaCl भी कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, जिसको सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है। तो अपन जो वर्तमान या अपन रोज यूज करते हैं नमक, जो सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, जिसका पंचपदरा जो बाड़मेर वाली झील है इसमें लगभग 98% शुद्ध है, क्योंकि जो अपन नमक खाते हैं वो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, ठीक है, उसको NaCl होते हैं, सल्फेट अल्फेट नहीं होता है, ठीक है। तो ये निर्माण पंचपदरा का पंचनामक भील के द्वारा लगभग 400 वर्षों पहले किया गया। खारवाल जनजाति के द्वारा मोरली झाड़ी से यहाँ पर नमक तैयार किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का यहाँ पर महत्वपूर्ण उत्पादन होता है, लगभग इसमें 98% सोडियम क्लोराइड होता है। इसका नमक खाने योग्य है, इसका नमक कैसा है? खाने योग्य। कैसा है? खाने योग्य। इसका नमक किस प्रकार का है? तो खाने योग्य है। ध्यान रखना, पंचपदरा बाड़मेर में है, इसका नमक पंचनामक भील के द्वारा किया गया 400 वर्षों के लगभग। यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है खारवाल, और खारवाल जनजाति मोरली झाड़ी से नमक तैयार करती है। इसका जो नमक है उसमें NaCl के 98% मात्रा पाई जाती है, जिसको सोडियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में एक झील और महत्वपूर्ण इसमें से देखते हैं, अगली झील है डीडवाना। अगली झील कौन सी है? डीडवाना झील। अगली झील कौन सी है? डीडवाना झील है। अगली झील कौन सी है? डीडवाना झील है। देखो भैया, अगली झील कौन सी है? डीडवाना झील। डीडवाना झील, डीडवाना झील कहाँ है? नागौर में। डीडवाना झील कहाँ है? नागौर में है। यहाँ पर दो राज्य सरकार के उपक्रम लग रहे हैं। किसके हैं? राज्य सरकार, राज्य सरकार के यहाँ पर दो उपक्रम लग रहे हैं। उनमें से एक तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, और एक तो सोडियम सल्फेट। दो उपक्रम लग रहे हैं, एक तो है सोडियम सल्फाइड, दूसरा उपक्रम लग रहा है सोडियम सल्फेट। दो उपक्रम लग रहे हैं यहाँ पर, दोनों राज्य सरकार के हैं, सोडियम सल्फाइड और सोडियम सल्फेट। इसका नमक खाने योग्य नहीं है, इसका नमक खाने योग्य नहीं है। इसका नमक कैसा है? खाने योग्य नहीं है। सल्फेट नहीं बनना चाहिए, सोडियम क्लोराइड बनेगा तो ही नमक खाने योग्य रहेगा। सोडियम सल्फेट, सल्फेट ये विलयन नहीं होना चाहिए, तभी इसका नमक खाने योग्य नहीं, खाने योग्य नहीं है। डीडवाना झील नागौर में है, राज्य सरकार के दो उपक्रम लग रहे हैं, उनमें से सोडियम सल्फाइड है और सोडियम सल्फेट है, इसका नमक खाने योग्य नहीं है। ये बातें हो गई राजस्थान में खारे पानी की झीलों की। उसके बाद में छोटी छोटी झील हो रहे, 3-4-5 के लगभग झील हो रहे, यही महत्वपूर्ण झीलें हैं 3। इनमें से लगभग क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद में कोई क्वेश्चन नहीं बनता, उनकी कोई डिटेल भी नहीं है या उनका विस्तार नहीं है। ये 3-4 झीलें जिनका विस्तार है। इसके बाद में अगर देखें, एक झील पाई जाती है कोछोर, एक झील मिलेगी अपन को कोछोर, कोछोर मिलेगी अपन को जैसलमेर में। कोछोर कहाँ मिलेगी अपन को? जैसलमेर में। इसके बाद में एक मिलेगी नावा, नावा कहाँ मिलेगी अपन को? नागौर में। उसके बाद में एक मिलेगी रेवासा, रेवासा कहाँ मिलेगी अपन को? सीकर में। उसके बाद में एक मिलेगी कुचामन, कुचामन कहाँ मिलेगी? नागौर में। कुचामन भी कहाँ मिलेगी? नागौर में, ठीक है। तो इस प्रकार से लगभग ये झीलें मिलेगी
इनका वर्णन नहीं है, बस डायरेक्ट पूछता है नावा कौन सी जगह है। ये एक मिलेगी पोकरण, पोकरण कहाँ है, जैसलमेर में। इस प्रकार से ये चार पांच झीलें और है, तीनों का विस्तार बता दिया, उनके बारे में डिटेल है। इनको डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछता है या मिलान करवा लेगा, कैसे आएगा कर कुछ और नावा रेवासा चार देकर इधर से इधर मिलान करवा देगा। इस प्रकार से इनमें से क्वेश्चन आते हैं हमेशा। तो इस प्रकार से जो चार पांच झीलें उनका भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक चर्चा में विषय और चल रहा है वर्तमान समय में, उसकी बात और कर लेते हैं, चाहे इसको देख लेते हैं एक बार। देखो भैया, सबसे अधिक खारे पानी की झीलें नागौर जिले में मिलेगी। सबसे अधिक खारे पानी की झीलें नागौर जिले में मिलेगी। सबसे अधिक मीठे पानी की झीलें, सबसे अधिक मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें उदयपुर ज़िले में मिलेगी। सबसे अधिक खारे पानी की झीलें नागौर ज़िले में मिलेगी। सबसे अधिक मीठे पानी की झीलें उदयपुर ज़िले में मिलेगी। इसके बाद में दो चार लाइन और बताता हूँ नदी या झीलों संबंधित। सबसे अधिक नदियों वाला संभाग कोटा संभाग है। सबसे अधिक नदियों वाला जिला चित्तौड़गढ़ है। सबसे अधिक नदियों वाला संभाग कोटा है। सबसे अधिक नदियों वाला जिला चित्तौड़गढ़ है, जहाँ पर कोई भी नदी नहीं है। चूरू और बीकानेर एक भी महत्वपूर्ण नदी नहीं है। ध्यान रखना, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। राजस्थान के ऐसे दो जिले जहाँ पर एक भी नदी नहीं है, चूरू और बीकानेर में एक भी नदी नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना, सबसे अधिक नदियों वाला संभाग की बात करता है तो कोटा है, और जिले की बात करता है तो चित्तौड़गढ़ है। सर्वाधिक बांध कौन सी नदी पर बनाए गए हैं? वो है भैया चंबल पर। सर्वाधिक सतही जल किसका है? वो भी किसका है? चंबल का। सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? वो है बनास का। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी बनास है, या पूर्णतः प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो बनास है। इस चीज़ों को ध्यान रखना आप लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण पॉइंट है। इनमें से एक दो क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। सबसे अधिक नदियां संभाग कोटा, सबसे अधिक नदियां जिला चित्तौड़गढ़, जहां पर कोई भी नदी नहीं है चूरू बीकानेर, सर्वाधिक बांध वाली कौन सी नदी है चंबल, सर्वाधिक सतही जल किसका है चंबल का, सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किसका है बनास का है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप हमेशा याद रखने जरूरी है, अनिवार्य है, हमेशा मुख जवानी रखें। और जैसा कि मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया था आप लोगों को, तो मेरे पढ़ाने के बाद में आप दुनिया में किसी प्रकार का विवाद हो या किसी देश का, किसी राज्य का, हमेशा मैंने चर्चा को तुरंत पढ़ाया है। कोई सी भी विषय रहा हो उसको मैंने तुरंत बताया आप लोगों को कि वर्तमान समय में ये विवाद चल रहा है,
वर्तमान के बाद में ये विवाद चल रहा है। मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था काला पानी विवाद, मैंने ऑनलाइन क्लास में पढ़ा ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था काला पानी विवाद। काला पानी किसका स्थान है? उत्तराखंड का स्थान है। किसका स्थान है? उत्तराखंड। उत्तराखंड कहाँ आता है? भारत में आता है। उत्तराखंड कहाँ आता है? भारत में आता है। इसके बाद में इन दोनों के बीच में एक देश है जिसका नाम है नेपाल। इन दोनों के बीच में ये विवाद चल रहा है काला पानी वाला विवाद, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बातें, काला पानी उत्तराखंड भारत में स्थित है। यहाँ पर एक सड़क बनाई जा रही वर्तमान समय में मानसरोवर की तरफ, जिसकी लंबाई लगभग 100 किलोमीटर मानी गई है। जिसकी लंबाई लगभग कितनी मानी गई है? 100 किलोमीटर मानी गई है। तो ये विवाद इन देशों के बीच में चल रहा है। अगला एक विवाद और वर्तमान समय में आ रहा है, उसका ध्यान रखने योग्य बातें हैं आप लोगों को ध्यान रखना। एक विवाद और है, उसके बाद में यहाँ देखते हैं, ये भारत का ऊपरी भाग है। इस जगह पर एक विवाद है जिसका नाम है लद्दाख। लद्दाख यहाँ पर एक झील है, इस झील का नाम है पांगांग सो झील। खूब पढ़ाया था मैंने ऑफलाइन क्लास में कि पांगांग सो झील भारत की विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। इसमें से पेंगांग सो झील है, इसका कुछ पार्ट तो आता है लद्दाख वाले क्षेत्र में या भारत में, और कुछ पार्ट आता है इसका चीन में। कुछ पार्ट किस में आता है? चीन में, सियोके में, या इसको कह दे अक्साई चीन में। अक्साई चीन, अक्साई चीन 1962 में जब भारत चीन के युद्ध हुआ था 1962 में, तो उस समय इस क्षेत्र को चीन सरकार ने अधिग्रहण में कर लिया था, अक्साई चीन वाले क्षेत्र को। वर्तमान समय में भी ये विवाद बना हुआ है, मैकबोन रेखा वाला, डोकलोम विवाद वाला। तो इन विवादों को हमेशा आपको पढ़ना है, क्योंकि जब करंट का विषय आ जाता है तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है। मैंने कभी आपको जैसे ज्योग्राफी पढ़ाई, आप यहाँ से जाने के बाद में कहीं पढ़ लिए, लेकिन आपको कभी मात नहीं मिलेगी, क्योंकि जब मैंने खूब गहराई से पढ़ाया आप लोगों को, और करंट का विषय मैं तुरंत पढ़ाता हूँ, आज भी पढ़ा रहा हूँ। तो पांगांग सो झील, पांगांग सो झील की अगर आप बात करेंगे अपन, सो झील यह भारत चीन की सीमा पर स्थित है। भारत चीन की सीमा पर स्थित है पांगांग सो झील। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पांगांग सो लद्दाख वाले क्षेत्र, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और वर्तमान समय में भारत और चीन के बीच में विवाद क्षेत्र बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है सिंधु, और इन दोनों को काटते हुए ऐसी आती है, ठीक है। तो यहाँ से भारत ने इस प्रकार सड़क बनाई मानसरोवर के लिए। मानसरोवर मैंने पढ़ाया था आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में इंडिया ज्योग्राफी में कि मानसरोवर चीन में स्थित है। इसमें एक श्रेणी का नाम और बताया था मैंने, उस श्रेणी का नाम है कैलाश श्रेणी। कि कौन सी श्रेणी बताई थी? कैलाश श्रेणी। यहाँ से एक सिंधु नदी निकलती है, और यहाँ से सिंगगी कुआब कहते हैं, सिंगगी कुआब। उस नदी को चीन में क्या कहते हैं? सिंगगी कुआब कहते हैं। और जैसे यहाँ पर आई, यहाँ पर एक बांध वर्तमान समय में चर्चा में, डाइमर भाषा बांध, डाइमर भाषा बांध, ये बांध भी चर्चा में लगभग 2009 से ये बांध चर्चा का विषय बना हुआ है। तो किसी प्रकार की
पाकिस्तान को किसी कंपनी ने आर्थिक सहायता नहीं देने के कारण ये वर्तमान समय में पड़ा हुआ है। लेकिन वर्तमान समय में चीन ने लगभग इसमें 70% हिस्सेदारी के बाद इसका काम चालू कर दिया या शुरू कर दिया, काम क्या कर दिया इसका, शुरू कर दिया। और वर्तमान समय में डाइमर भाषा वाहन भी चर्चा का विषय है। वर्तमान समय में ये भी एक विवाद के रूप में आ रहा है, डाइमर भाषा वाहन। ये कैलाश श्रेणी इधर से डायरेक्ट रास्ता बनाने के लिए भारत और कैलाश सरोवर या मानसरोवर की यात्रा को कम करने के लिए भारत ने एक शॉर्ट एंड स्वीट रास्ता बनाया, जिसमें वर्तमान समय में चीन और भारत के बीच में विवाद है, जिसको पांगांग सो झील के नाम से जाना जाता है। और पांगांग सो झील भारत की विश्व की सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। अगर विश्व में देखें सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो कैस्पियन सागर है। खारे पानी की झील अगर विश्व में देखें कैस्पियन सागर है। कौन सा सागर है? कैस्पियन सागर। सागर ही खारा है, टोटल सागर ही खारा है। तो सागर ही जब खारा हो गया तो सबसे बड़ी झील कहलाएगी। तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो वो है पांगांग सो झील। जम्मू कश्मीर भारत और चीन के बीच में, भारत में स्थित है, चीन और जम्मू भारत अपना जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है इन दोनों के बीच में। और इसमें से पांगांग झील का जो पूर्वी भाग है जो चीन की तरफ आता है और पश्चिमी भाग है वो किसकी तरफ आता है? भारत की तरफ आता है। चीन यह कहता है कि जो पश्चिमी भाग है वो तो भारत तू मान ले और पूर्वी भाग है वो चीन मानता है। लेकिन भारत मना करता है कि पांगांग सी झील में टोटल जो एरिया है या टोटल क्षेत्रफल उसका, उसको भारत मानता है कि ये मेरा हिस्सा है। इस प्रकार से ये विवाद भी बना हुआ है। तो ध्यान रखने वाली बातें यही है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बार बार आ रहे हैं, बरसों से आ रहे हैं, तो ज्योग्राफी करंट का विषय है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको आप आराम से पढ़ें, करंट विषय को हमेशा साथ में रखें। तो इस प्रकार से ये विवाद आ रहा है बार बार, तो इसका ध्यान रखना क्योंकि बहुत आगे तक जा रहे हैं ये लोग। तो इस प्रकार से आप इन विवादों को करंट की एक कॉपी बनाएं, उसमें आराम से पढ़ लें। वैसे मैंने इनको ऑफलाइन क्लास में भी आपको पढ़ा दिया है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने वे पढ़ाया है, यहाँ दोबारा पढ़ाया था आपको। तो इस प्रकार से ये विवाद कई प्रकार के विषयों में घिरा हुआ है, तो इन सारी चीज़ों को आप पढ़ लेना। तो देखो एक बार और देख लेते हैं, पांगांग सो झील भारत और चीन के बीच में विवाद बनी हुई है। चीन कहता है पांगांग सो झील का पूर्वी भाग भारत का है और पूर्वी भाग किसका है? चीन का है। लेकिन भारत कहता है कि पांगांग सो झील का जो कुल एरिया है वो लगभग हमारा ही है। लेकिन इन दोनों के बीच में यहाँ लद्दाख से एक सड़क बनाई गई मानसरोवर के लिए, जिसमें भी चीन अटंगा लगा रहा है। ठीक है, ये शॉर्ट एंड स्वीट सड़क बनाई गई है, शॉर्ट एंड स्वीट सड़क बनाई गई है। इसमें से यहाँ पर एक विवाद बन रहा है जो भी भारत और चीन के मध्य स्थित है। इसके बाद में यहाँ पर आने के बाद में एक बांध बना है यहाँ पर, डाइमर भाषा बांध। डाइमर भाषा बांध सिंधु नदी पर स्थित है। और यहाँ से इस बांध के बारे में मैंने बताया था, लगभग 5-6 वर्ष से कोई भी कंपनी इसका निर्माण भागीदारी में सहयोग करने को तैयार नहीं है। लेकिन आखिरकार 2020 में चीनी कंपनी ने इसका 70% हिस्सेदारी के लिए तैयार हो गया। तो ये चीज़ ध्यान रखनी, पांगांग सो झील भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। खारे पानी की बीच में सबसे बड़ी झील की बात करें, कैस्पियन सागर झील है जो ईरान और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। इस प्रकार से ये खारे पानी की झीलें अपनी समाप्त हुई। उसके बाद में वन्य जीव अभयारण्य कल देख लेंगे। थैंक यू।